Hello everyone, welcome to SPS Versity. In the series of Bank of Baroda SO paper, we are conducting many live sessions to give you the first-hand experience of the papers, the real paper discussions, the strategy, how to attempt the paper and how to get the good attempt and the good rank in the paper. Hopefully, the last session must have been watched by you and must have also liked and the channel must have been subscribed. तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक और लॉजिकल रीजनिंग का सेशन डिस्कस करेंगे. द सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड रहते हैं एग्जाम के अंदर, पुराने एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चंस, सो दैट यू कैन दे कैन हेल्प यू टू बिल्ड अ स्ट्रेटजी एंड अ क्विक रिवीजन भी हो जाती है इस फॉर्मेट से. इज दैट क्लियर? सो अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा 2022 एसओ पेपर. द सर्विस प्रोवाइडेड बाई स्पेस यूनिवर्सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स. इसका बेनिफिट उठाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर और आप भी लाइक जरूर करिए. सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. डू प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द नोटिफिकेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं पैटर्न ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा रीजनिंग के. 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 25 मार्क्स का पेपर रहने वाला है और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में एग्जाम आपको मिलेगा पेपर के द्वारा. इंग्लिश लैंग्वेज में भी 25 क्वेश्चन विद 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, प्रोफेशनल नॉलेज के 75 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स की वेटेज रहेगी टू नंबर पर, डबल द वेटेज ऑफ द अदर सेक्शंस रहेगी और 150 मिनट्स टोटल मिलेंगे. 225 मार्क्स का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे. इज दैट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद लॉजिकल रीजनिंग पार्ट. तो जब हम बात करते हैं सिलेबस की, तो ये एक मोटा मोटा सिलेबस है जो आपको तैयार करना है व्हेन वी टॉक ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ पेपर. दैट इज कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजीज, ब्लड रिलेशंस, टेस्ट ऑफ डायरेक्शन सेंस, वेन डायग्राम, सीटिंग अरेंजमेंट्स, नंबर सीरीज, नंबर रैंकिंग आर्ग्यूमेंट्स, अल्फाबेट सीरीज, डिसीजन मेकिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, डाटा सफिशियंसी. और इसके काफी क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में देखे थे, एग्जाम में आ रखे थे. तो कुछ अब इस सेशन में देखेंगे बहुत सा कुछ. एंड लेट्स अंडरस्टैंड दी पेपर नाउ. अब हम वेट नहीं करेंगे, मैं सीधा क्वेश्चंस पे जाऊंगा, सीधा पुराने साल के पेपर का एक लुक उठाऊंगा और उसे सॉल्व करूंगा. और आपको मैं ये मान के चलूंगा कि आपको ये सारे टॉपिक्स आपने रिवाइज किए हुए हैं और आपको सारे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, तो आप कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, आपको बहुत मजा आने वाला है. अब पूरा एक घंटा बैठ के हम पूरा 25 क्वेश्चंस का एक सेट सॉल्व करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग का. इज दैट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट. तो पहला एक लॉजिकल रीजनिंग सेट हमें एग्जाम में आया था, ये दे रखा है, इसको ध्यान से स्टडी करते हैं और फिर हम इसको अच्छे से बनाएंगे और इसके ऊपर फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सेवन एक्टर्स एच आई जे के एल एम एन एन एक्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा विज एक्शन, थ्रिलर, रोमांटिक, सस्पेंस, कॉमेडी, हॉरर एंड इंस्पिरेशनल, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. तो सेवन एक्टर्स हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा में काम एक्ट करते हैं जो जो उनके नाम दे रखे हैं हमें, बट उस ऑर्डर में जरूरी नहीं है कि उस ऑर्डर में हो. ऑल द सेवन एक्टर्स एंगेज ऑन थ्री डिफरेंट डेज ऑफ द वीक. यहाँ तो जो उनका वो ड्रामा है जिसमें वो एक्ट कर रहे हैं, मंडे अटैच है या ट्यूजडे या फ्राइडे. अब उसके ऊपर कुछ कंडीशन हमें दे रखी है. एच इज एंगेज ऑन मंडे ओनली विद एल एंड हिज ड्रामा इज थ्रिलर, के इज एक्टिंग इन हॉरर ड्रामा. तो ये सारी कंडीशन हमें दे रखी है. एंड डज नॉट एक्ट ऑन फ्राइडे. द वन हु इज एक्टिंग इन कॉमेडी एक्ट्स ऑन ट्यूजडे. आई एंड जे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम डे. दोज हु एक्ट ऑन मंडे डू नॉट परफॉर्म रोमांटिक ड्रामा. एम एक्ट्स इन सस्पेंस ड्रामा but does not act on Tuesday. N acts on the same day as M. J acts in action drama. तो अब ऐसे सेट के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारी इंफॉर्मेशन जम्बल्ड पैराग्राफ फॉर्म में दे रखी है. अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं हम. Who acts in comedy? Which of the following combinations of actor day drama is definitely correct? Which of the following groups of actors performs on Friday? I and K on which of the following days of the week? Act on which of the following days of the week? इलेक्शन विच टाइप ऑफ ड्रामा. और फिर नेक्स्ट सेट हम करेंगे. तो दैट मीन्स अब यहाँ से क्वेश्चन से क्या समझ में आता है कि हमें ये वाला जो सेट है एक बार पूरा फ्रेमवर्क रेडी करना पड़ेगा और फिर उसके बेस पे क्वेश्चन हैंडल करने पड़ेंगे. तो ऐसे क्वेश्चन मैट्रिक्स अरेंजमेंट बना के उनकी पूरी टिक क्रॉस लगा के सेटिंग करनी पड़ती है. होपफुली ऐसे क्वेश्चन आपने कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में बहुत सारे कर रखे होंगे. अगर नहीं तो फिर स्पेस यूनिवर्सिटी पे वेबसाइट पे जाओ, यूट्यूब चैनल पे जाओ, को बहुत सारे वहाँ पे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा दिए जाएंगे और वेबसाइट पे भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी. यूट्यूब चैनल ऑन फॉलो ट्विटर के ऊपर बहुत कुछ मिलेगा. यू विल गेट समथिंग ऑन
फेसबुक, यू विल गेट समथिंग ऑन दी टेलीग्राम चैनल्स। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम एग्जाम में बैठेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पहले एक्टर्स का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज एच आई जे के एल एम और एन। कौन कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं उनके नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। वन इज एक्शन, थ्रिलर, रोमांटिक, आई टेल यू फुल स्ट्रैटेजी टू हैंडल सच क्वेश्चंस, सस्पेंस, कॉमेडी, हॉरर एंड इंस्पिरेशनल। ये हमारे पास फील्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड है। अब हम एक ऐसे मैट्रिक्स बना लेंगे, फटाफट इसकी स्पीड रखनी है एग्जाम के अंदर, जितनी स्पीड रखेंगे, जितनी जल्दी अपनी सेट को तैयार करेंगे, उतना जल्दी आपका सेट सॉल्व होगा और उतना ही समय बचेगा, उतना ही ज्यादा आप अटेम्प्ट पेपर में कर पाओगे। इज दैट क्लियर? तो इस तरह की प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए एग्जाम के अंदर, दैट हाउ टू क्रिएट द सेट क्विकली एंड फास्टली, इंफॉर्मेशन को कैसे समराइज करके फटाफट उसको एक टेबल फॉर्मेट पे बना के फटाफट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए। तो हमने ये टेबल अब अपना रेडी कर लिया है, अब हम धीरे धीरे इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे और इसके अंदर फिल करते जाएंगे। राइट, अब हमें क्या दिया हुआ है, एच इज एंगेज्ड ऑन मंडे, तो एच अपना परफॉर्मेंस मंडे करेगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ओनली विद एल। इसका मतलब क्या हुआ, मंडे को दो ही लोग जाएंगे, एच और एल। इसका मतलब अब हमें दिया हुआ था कि जो ये लोग हैं या तो मंडे परफॉर्म करते हैं या ट्यूजडे या फ्राइडे, मतलब मंडे उसने क्या लिखा, एच इज एंगेज्ड ऑन मंडे ओनली विद एल, दिस मींस मंडे अब दो ही लोग थे, एच और एल, तो मंडे अब और कोई परफॉर्म नहीं करेगा, एंड हिज ड्रामा इज थ्रिलर। अगर एच का ड्रामा थ्रिलर है, इसका मतलब अब यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, तो यहाँ पे भी क्रॉस लगा देंगे, तो एच की क्लैरिटी हो गई है। के इज एक्टिंग इन हॉरर ड्रामा, के जो है वो हॉरर ड्रामा में काम करता है, के इज इन हॉरर, हॉरर ये रहा, यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग हम कैसे सॉल्व करते हैं वाले सेट्स। एंड डज नॉट एक्ट ऑन फ्राइडे, अब देखो मंडे दो लोग थे, फ्राइडे एक्ट नहीं करता, तो इसका मतलब के लिए बचेगा कौन, तो के लिए दिन बचेगा ट्यूसडे। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से डेरिवेशन होती जाएगी, यहां तक क्लियर हो गया। द वन हु इज एक्टिंग इन कॉमेडी एक्ट्स ऑन ट्यूसडे, तो कॉमेडी वाला वर्सन भी ट्यूसडे एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कॉमेडी जो भी कॉमेडी में एक्ट करता है वो ट्यूसडे एक्ट करता है। आई एंड जे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम डे, मतलब आई और जे वो सेम डे नहीं है, तो एक ट्यूसडे होगा तो एक फ्राइडे होगा, एक फ्राइडे होगा तो एक ट्यूसडे होगा, मंडे तो हो नहीं सकता, मंडे वाले दो तो बहुत क्लियर है। दोजो एक्ट ऑन मंडे डू नॉट परफॉर्म इन रोमांटिक ड्रामा। अब एम मंडे वाले कौन थे, मंडे वाला एच था जिसका तो मुझे थ्रिलर क्लियर है, और एक एल भी मंडे वाला मंडे में एक्ट करते थे, लेकिन जो एल है दैट इज नॉट परफॉर्मिंग ऑन ऑन जो, क्योंकि मंडे वाले रोमांटिक ड्रामा में परफॉर्म नहीं करेंगे, तो एल भी रोमांटिक ड्रामा में परफॉर्म नहीं करेगा, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देते हैं। एम एक्ट्स इन सस्पेंस ड्रामा, जो एम है द एक्ट्स इन सस्पेंस ड्रामा, तो एम इज इन सस्पेंस, यहाँ पे टिक लगाते हैं, एंड वी क्रॉस हेयर, एंड वी क्रॉस हेयर ऑल्सो। इज दैट क्लियर? बट डज नॉट एक्ट ऑन ट्यूजडे, तो अगर एम ट्यूजडे परफॉर्म नहीं कर रहा तो एम को फ्राइडे परफॉर्म करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? एन एक्ट्स ऑन द सेम डे एज एम, एन और एम का डे सेम है, तो दैट मीन्स इफ एन और एम का डे सेम है तो दैट मीन्स एन विल ऑल्सो परफॉर्म ऑन फ्राइडे, एन का डे भी हमें मिल गया। अगर एन फ्राइडे है तो एन कॉमेडी से नहीं हो सकता, क्योंकि द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग इन कॉमेडी विल परफॉर्म ऑन ट्यूजडे, तो ये पहले ही फटाफट कैंसिल कर दो। जे एक्ट्स इन एक्शन ड्रामा, जो जे है वो एक्शन में है, तो इसको क्रॉस कर देते हैं, इसको टिक कर देते हैं जे एक्शन, और इसको क्रॉस कर देते हैं। ये देखिए अब यहां से एक चीज बहुत क्लियर नजर आ गई है हमारे पास, कि जो कॉमेडी वाला है वो पर्सन ही एक बचा आई, और जो कॉमेडी था वो ट्यूजडे परफॉर्म करता था, तो दैट मींस आई विल परफॉर्म ऑन ट्यूजडे, एंड इफ आई इज परफॉर्मिंग ऑन ट्यूजडे दैट मींस जे विल परफॉर्म ऑन फ्राइडे, बिकॉज दे वर परफॉर्मिंग ऑन सेपरेट डेज,
दैट मीन्स दिस इज वेरी क्लियर. क्लियर हुई बात? बिकॉज एल वॉज परफॉर्मिंग ऑन मंडे तो ये भी यहाँ परफॉर्म नहीं करेगा. ऑब्वियसली बात है, कॉमेडी वाला ट्यूजडे परफॉर्म करा तो यहाँ पे भी हमें पहली क्रॉस लगा देना चाहिए था, राइट? तो अब यहाँ पे इसका मतलब मंडे विल कम, जो एल है वो इंस्पिरेशन से आएगा और यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे. अब मेरे पास बचा कौन, यहाँ पे भी क्रॉस लग जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा टिक. तो एंड वी हैव फिल्ड विद होल डाटा. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड. अब हम करते हैं, अब हमारा पूरा सेट बन गया, पूरा सेट तैयार हो गया, पूरी इंफॉर्मेशन रेडी हो गई. नाउ लेट अस डू द क्वेश्चंस. हु एक्ट्स इन कॉमेडी? कॉमेडी में कौन एक्ट कर रहा है? कॉमेडी में बहुत क्लियरली आई एक्ट कर रहा है. कॉमेडी में बहुत क्लियरली आई एक्ट कर रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टर डे ड्रामा इज डेफिनेटली करेक्ट? एक्टर डे एंड ड्रामा. क्या एम फ्राइडे को रोमांटिक में परफॉर्म कर रहा है? एम फ्राइडे तो है लेकिन रोमांटिक नहीं है. एन फ्राइडे रोमांटिक, लेट्स चेक. एन इज ऑन फ्राइडे, डेफिनेटली एन इज रोमांटिक, डेफिनेटली करेक्ट. अब आंसर मिल गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. इसका हम आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एक्टर्स परफॉर्म ऑन फ्राइडे? फ्राइडे को कौन कौन परफॉर्म कर रहा है? तो फ्राइडे को परफॉर्म कर रहा है जे, फ्राइडे को परफॉर्म कर रहा है एन, और फ्राइडे को परफॉर्म कर रहा है एम. तो जे एम और एन, जे एम और एन, तो जे एम और एन बचा ऑप्शन नंबर 3. देखा कितनी आसानी से क्वेश्चन बन रहे हैं आप. आई एंड के एक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज ऑफ द वीक? आई और के कब परफॉर्म कर रहे हैं? विच डे ऑफ द वीक? आई इज परफॉर्मिंग ऑन ट्यूजडे एंड के इज ऑल्सो परफॉर्मिंग ऑन ट्यूजडे. तो आई एंड के परफॉर्मिंग ऑन ट्यूजडे, द फर्स्ट ऑप्शन, राइट? एल एक्ट इन विच टाइप ऑफ ड्रामा? एल कौन से टाइप ऑफ ड्रामा में एक्ट कर रहा है? एल इज एक्टिंग इन इंस्पिरेशनल ड्रामा. इंस्पिरेशनल ड्रामा, तो एल इज ऑन इंस्पिरेशनल ड्रामा. तो नन ऑफ दीज, डोंट गेट अफ्रेड ऑफ मार्किंग नन ऑफ दीज. कई बार मेरे स्टूडेंट को देखा है नन ऑफ दीज को मार्क करते, बहुत घबराहट होती है उनको कि उनसे कुछ गलत ना हो गया हो, कुछ अलग चीज ना हो. डोंट फील लाइक दैट एंड बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू हैव सॉल्व फुल सेट इन अ ऑर्डर्ड वे. इज दैट क्लियर? तो ये था आपका पहला सेट, आई होप आपको समझ आ गया होगा. ऐसे एक और सेट है जो ब्लड रिलेशन के ऊपर अब हम सॉल्व करने वाले हैं. एम आई क्लियर विद दिस? राइट? तो हम अब इस सेट को सॉल्व करते हैं जिसपे ब्लड रिलेशन बेस्ड सेट है. इन अ फैमिली ऑफ 10 persons, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एन जे, देयर आर 5 males एंड 5 females. देखो बेटा, पेपर में हमें बहुत कम टाइम मिलने वाला है. हमें सेक्शन मैंने बताया पूरा 150 मिनट्स मिलेंगे पूरे पेपर में. हम फिर भी 60 मिनट्स में आज ये पूरा सेक्शन करने वाले हैं, तो बहुत स्पीड बना के रखेंगे ताकि हमें एग्जाम में पता चले कि हमें इससे भी ज्यादा स्पीड पे हमारी रीडिंग स्पीड, हमारी कैलकुलेशन स्पीड, हमारी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए. इज दैट क्लियर? तो जितना जल्दी हो सकता है हम इस सेट्स को बनाएंगे, जितनी जल्दी स्पीड से करेंगे उतना ही जल्दी हमें हमारी एक्शंस बनेंगे, उतनी जल्दी हमारी स्ट्रेंथ बनेगी, उतनी जल्द जल्दी हमारा कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, राइट? तो हम जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं ना. फैमिली ऑफ 10 persons, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे एंड के, देर आर 5 males एंड 5 females. जो इंपॉर्टेंट बातें उसे नोट करके रखते हैं. 5 males एंड 5 females, ऑल ऑफ देम आर सिटिंग फॉर एन इवनिंग स्नैक, पिज्जा, कोला, लेमोनेड, चॉकलेट टेम्पटेशन, कॉफी, टी, बर्गर, आइस क्रीम, स्ट्रॉबेरी, आइसक्रीम, वनीला, चॉकलेट, नेस्ले, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. नो कपल ईट द फ्लेवर ऑफ द सेम ईटेबल. इज दैट क्लियर? इन द फैमिली ऑफ 3 generations, राइट? अब सब लोग डिफरेंट डिफरेंट खा रहे हैं. अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है, इन द फैमिली ऑफ 3 generations, 3 generations की फैमिली है, ईच फीमेल मेंबर एक्सेप्ट बी एन एच. इसका मतलब क्या हुआ? टोटल 5 females थी, ईच फीमेल मेंबर एक्सेप्ट बी एन एच. इसका मतलब बी और एच भी तो फीमेल ही होंगी ना. हैज 2 sisters एंड 1 brother. तो बी एन एच को छोड़ के, जिसका मतलब एवरी फीमेल मेंबर बी एन एच को छोड़ के, टोटल 5 थी, उनके 2 sisters है, 1 brother है. तो इसका मतलब इस तरह से कुछ होना चाहिए, दिस इज लाइक दिस. इसकी 2 sisters और 1 brother, इसके भी 2 sisters, 1 brother, इसके भी 2 sisters. तो इस तरह के एक जनरेशन में ऐसा कुछ होना चाहिए कि 3 sisters है और एक उनका भाई है, राइट? द ग्रैंड सन ऑफ जे डज नॉट लाइक पिज्जा. इसका मतलब जो जे है वो का ग्रैंड सन, जे का ग्रैंड सन है ना. जे का सर्कल किसके लिए यूज करते हैं? फीमेल्स के लिए. बॉक्सेस किसके लिए यूज करते हैं? मेल्स के लिए. तो जे का हम मैं कैंसिल कर देता हूँ, मुझे मालूम नहीं कि जे इज अ मेल और अ फीमेल, राइट? तो इसने क्या बोला?
द ग्रैंड सन ऑफ जे डज नॉट लाइक पिज्जा। तो एक बात तो क्लियर है, जो 3 जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, जे इस जनरेशन में उसका ग्रैंड सन, तभी तो ऐसे बात बोलेगी, इज दैट क्लियर? और जो उसका ग्रैंड सन, उसको पिज्जा पसंद नहीं है। बी हैज नो सिस्टर इन लॉ, बी की कोई सिस्टर इन लॉ नहीं है, मतलब उसके हस्बैंड की, अगर वो मैरिड है तो कोई वाइफ, और उसके हस्बैंड की कोई बहन नहीं है, या फिर उसकी कोई भाभी नहीं है। ए इज नॉट ड्रिंकिंग टी, ओके इसको मार्क करके रखते हैं। नो मेल मेंबर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो मेल मेंबर्स ईट्स चॉकलेट टेम्पटेशन एंड टेक्स टी, ओके इसको नोट करके रखना पड़ेगा। आईज फादर इन लॉ ऑफ एफ, ओके एंड ही ईट्स आइसक्रीम ऑफ वनीला फ्लेवर, बहुत बढ़िया। तो आई या तो सेकेंड जनरेशन से है या फर्स्ट जनरेशन से है। जी हु ईट्स चॉकलेट, क्यों? क्योंकि फादर इन लॉ है इसलिए। जी हु ईट्स चॉकलेट इज द सन इन लॉ ऑफ बी, बी का सन इन लॉ है, तो दैट इज बी भी सेकेंड या थर्ड जनरेशन में है। बी भी सेकेंड या थर्ड जनरेशन में है और जी सेकेंड या थर्ड जनरेशन में है। इज दैट क्लियर? ये बात नोट करके रखिएगा प्लीज। डी हु ड्रिंक्स कॉफी इज द अनमैरिड सिस्टर ऑफ ई, अब अनमैरिड सिस्टर है ई की, तो डी हु ड्रिंक्स कॉफी इज अनमैरिड सिस्टर ऑफ ई, तो डी पक्का इसी जनरेशन से होनी चाहिए और इसको कॉफी पसंद है। जी हु ड्रिंक्स कॉफी इज एन अनमैरिड सिस्टर ऑफ ई, अब ई लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। हु डज नॉट लाइक कोला, ई डज नॉट लाइक कोला। सी सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, बट शी डज नॉट लाइक कोला, लेमोनेड और टी, इसको बाद में देखते हैं कहाँ फिट इन करना है। ई इज जीज ब्रदर इन लॉ, ओके ई इज जीज ब्रदर इन लॉ, तो ई लड़का है, ई इज जीज ब्रदर इन लॉ, तो ई भी यहाँ आएगा, दैट बिकम्स अ पॉसिबिलिटी। बीज फादर इज एच हस्बैंड, बी का फादर है, तो बी पक्का सेकेंड जनरेशन से, बी का जो फादर है वो एच का, बीज फादर इज एच हस्बैंड, तो बीज फादर इज एच हस्बैंड, तो इस एच तो लड़की थी, इसका मतलब यही एक पॉसिबिलिटी बैठती है, बीज फादर इज एच हस्बैंड, इज दैट क्लियर? तो बी सेकेंड या फर्स्ट में से थी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेकेंड या थर्ड में होगी, तो कॉमन बना सेकेंड बी के लिए, और बी का फादर जो है वो एच का पर्सन हस्बैंड हो गया, तो एच वॉज अ गर्ल, तो बी वॉज ऑल्सो गर्ल, तो इसका एक हस्बैंड यहाँ पे आ गया। तो इतनी बात तो बहुत क्लियर हो जाती है। इज दैट क्लियर? बीज फादर इज एच हस्बैंड हु डज नॉट लाइक पिज्जा, ओके इसको बाद में बना लेते हैं। द ग्रैंड पेरेंट्स नीदर ड्रिंक एनी बेवरेजेस नॉर ईट एनी स्वीट स्टफ, इसका मतलब ये दोनों ग्रैंड पेरेंट्स। इसको दोबारा से अब सारा जितना हमने इंफॉर्मेशन जितनी बनाई उसको हम यहाँ पे अगले पेज पे अच्छे से ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, कितनी इंफॉर्मेशन मिल गई थी हमें? जे वॉज अ मेल कैंडिडेट, इसकी वाइफ वॉज एच, बी का फादर वॉज जे, बी वॉज अ गर्ल, विल हैव अ हस्बैंड, ठीक है, और जे का ग्रैंड सन यहाँ पे आएगा जिनका बेटा होगा, और इनकी 3 बहनें, क्योंकि इनकी सिस्टर इन लॉ तो है नहीं और एच की भी सिस्टर इन लॉ नहीं है, तो वो तीनों बहनें यहीं पे बननी चाहिए, वो तीनों बहनें यहीं पे बननी चाहिए। अगर ये तीनों बहनें यहीं पे बनती हैं, तो एक चीज और क्लियर थी, डी अनमैरिड सिस्टर थी, तो डी को यहां बना देते हैं। और डी को पसंद क्या था? डी हु ड्रिंक्स कॉफी, डी को कॉफी पसंद थी, राइट? और ये था ई, इज दैट क्लियर? अब यहां पे एक पॉइंट और था, क्या चीज कि जी वाज, यहां पे एक पॉइंट और था, यहीं से नोट कर लेते हैं। आई इज फादर इन लॉ ऑफ एफ, आई इज फादर इन लॉ ऑफ एफ, ये देखो आई इज फादर इन लॉ ऑफ एफ। अब अगर आई फादर इन लॉ है तो आई यहां बनेगा फिर, और एफ वुड बी एनी हस्बैंड ऑफ एनी ऑफ द सिस्टर्स है, ये सिस्टर्स हैं, इसका भी एक हस्बैंड होगा, इज दैट क्लियर? तो यहां पे एक जगह बना देते हैं हम एफ। और एक पॉइंट और था, दैट ई इज जीज ब्रदर इन लॉ, सी सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, ये देखिए सी सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, सी वॉज सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, तो अगर सी सिस्टर इन लॉ है तो सी यहाँ आएगी, इज दैट क्लियर? अब बची 2 फीमेल मेंबर्स। अब यहाँ पे एक और पॉइंट था, ई इज जीज इन ब्रदर सी सिस्टर ऑफ एफ, बट शी डज नॉट लाइक स्कोला लेमोनेड। जी हु ईट्स चॉकलेट नेस्ले, ये देखिए ये वाला पॉइंट था, जी हु ईट्स चॉकलेट नेस्ले इज द सन इन लॉ ऑफ बी, तो मतलब जी भी सन इन लॉ है, तो जी यहाँ आ जाएगा, तो जी विल बिकम द हस्बैंड ऑफ सी। अब बचा मेरे पास कौन? आई हैव गॉट, देखो ए ए बचा सिर्फ, ए बी इज ऑलरेडी देयर, सी इज ऑलरेडी देयर,
डी इज ऑलरेडी देयर, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, तो ए विल बी कमिंग है. तो आई इनकी सिस्टर्स हो जाएंगी, ए सी और डी सिस्टर्स हो जाएंगी, ई इनका भाई हो जाएगा. अब इनके सिर्फ क्या रह गए हैं, जो ड्रिंक्स या चीजें इनको पसंद है. अब यहाँ पे हम बात करते हैं जी हु लाइक्स चॉकलेट्स नेस्ले. तो जी को तो फटाफट चॉकलेट नेस्ले पसंद है, जी उसको वहां चॉकलेट नेस्ले दे देते हैं हम, चॉकलेट नेस्ले. तो जी का चॉकलेट नेस्ले यहाँ से गायब कर दीजिए, डी का कॉफी भी गायब कर दीजिए. तो चॉकलेट नेस्ले वाला ये कैंसिल कर देते हैं, कॉफी कैंसिल कर देते हैं. एग्जैक्ट क्लियर? अब और किसको क्या पसंद है फटाफट क्विकली लिखते हैं, जिसको जो पसंद है. डी वाला, डी हु ड्रिंक्स कॉफी. हाँ तो कॉफी तो हमने पहले से ही मार्क करके रख दिया है. अब बचा कौन, द बी फादर एच, बीज फादर इज एच हस्बैंड हु डज नॉट लाइक पिज्जा. तो एच बीज फादर एच हस्बैंड, बीज फादर इज एच हस्बैंड हु डज नॉट लाइक पिज्जा. मतलब जो एच का हस्बैंड है या बी का फादर, उसको पिज्जा पसंद नहीं है. और एक चीज और लिखी हुई है, द ग्रैंड पेरेंट्स नीदर ड्रिंक एनी बेवरेजेस नॉर ईट एनी स्वीट स्टफ. मेरे पास बचता कौन है बेवरेजेस और स्वीट स्टफ छोड़ के, बर्गर और पिज्जा ही तो बचता है. और जे के जो ग्रैंडसन, उसको भी पिज्जा पसंद नहीं था. इसका मतलब क्या हुआ, इस दोनों की डेरिवेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, क्लियरली मुझे बता दीजिए. आई होप यू अंडरस्टैंड. इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि एच को ही पसंद होगा पिज्जा, क्योंकि तो दो ही तो बचे, पिज्जा और बर्गर. एच के हस्बैंड को पिज्जा पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ग्रैंड पेरेंट्स को पिज्जा पसंद. वाह, एच को पिज्जा पसंद और जे को बर्गर पसंद होगा. तो यहाँ भी ये बर्गर और पिज्जा भी हम कैंसिल कर देते हैं. इज दैट क्लियर? और हमें क्या पता लगाना था, डी हु ड्रिंक्स कॉफी. पहले अब जो किसको जो जो नहीं पसंद वो देख लेते हैं. ए को टी पसंद नहीं है और नो मेल मेंबर्स ईट्स चॉकलेट टेम्पटेशन एंड टेक्स टी. इसका मतलब ए को भी टी पसंद नहीं है, मेल मेंबर को भी टी पसंद नहीं है. सी को, सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ बट शी डज नॉट लाइक कोला लेमोनेड, उसको भी टी पसंद नहीं है. किसी मेल मेंबर को भी टी पसंद नहीं है, ए को भी टी पसंद नहीं है, सी को भी टी पसंद नहीं है. तो जो टी है वो बी के लिए बच गई. दैट इज इट. तो बी टी ऑल्सो कैंसल्स. एग्जैक्ट क्लियर? अब यहाँ पे हमें आइसक्रीम का भी दे रखा था कहीं पे, आई आई का आई फादर इन लॉ ऑफ एफ ही ईट्स आइसक्रीम वनीला ऑफ फ्लेवर, वनीला फ्लेवर. तो आई को आइसक्रीम पसंद थी, आइसक्रीम वनीला फ्लेवर वाली, वनीला फ्लेवर वाली. तो आइसक्रीम वनीला फ्लेवर वाली हटा देते हैं, आइसक्रीम वनीला फ्लेवर यहाँ से उड़ गया. अब बचा कौन, अब सी डज नॉट लाइक, सी सी सिस्टर लॉ डज नॉट लाइक कोला, उसको कोला पसंद नहीं है, लेमोनेड भी पसंद नहीं है, टी भी पसंद नहीं है. कोला भी पसंद नहीं है, लेमोनेड भी पसंद नहीं है, और टी, टी तो चलो चली गई. अब बचा कौन, आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट टेम्पटेशन. यहाँ पे एक चीज और दी हुई थी, नो मेल मेंबर्स ईट्स चॉकलेट टेम्पटेशन एंड टेक्स टी. चॉकलेट टेम्पटेशन भी पसंद नहीं किसी मेल मेंबर को, टी भी पसंद नहीं है. इसका मतलब मेल मेंबर के लिए बचा क्या, ठीक है. अब ई को पिज्जा पसंद नहीं है, तो ई के लिए क्या बचा. आप इसको फटाफट आप इसको डेरिवेट करिए कि ए और सी और ई, मेरे पास बचे कौन, ए एफ ई बचा, ए बचा, एफ बचा और सी बचा. तो पहले एफ से स्टार्ट कर लेते हैं. तो एफ को क्या पसंद हो सकता है मुझे ये बताइए पहले. तो एफ के लिए कौन सा ड्रिंक बचता है, एफ के लिए तो कोला ही बचता है ना, क्योंकि तो जो कोला है कि और किसी को पसंद नहीं है. एम आई क्लियर विद दिस, राइट? तो एफ के लिए कोला बच गया. अब ई के लिए क्या बचता है, इसको ना तो चॉकलेट टेम्पटेशन वाला पसंद है क्योंकि मेल मेंबर है, ना इसको टी पसंद है. अब आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी बचती है और लेमोनेड बचता है, लेकिन मेरे पास ए सी और ई भी है, उनको भी ध्यान में रखना है. तो इसको जो ए है, सॉरी जो सी है, उसको कोला लेमोनेड और टी पसंद नहीं है. तो सी के लिए मेरे पास बचता ही एक चीज है, एंड दैट हैपेंस टू बी व्हाट, आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी. आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी बचती है सी के लिए मेरे पास. एम आई क्लियर विद दिस? तो इसका मतलब मेरे पास बचा कौन, अब जो ई ए के लिए तो लेमोनेड है नहीं है, तो इसका मतलब ई होगा लेमोनेड. एंड हाउ, दिस इज हाउ यू कैन फ्रेम द एवरी चार्ट. और ए के लिए जो अब ड्रिंक बच गया, अब यहाँ से मैं लेमोनेड भी डाल देता हूँ, यहाँ से मैं आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी भी, और चॉकलेट टेम्पटेशन इज फॉर ए नाउ, जो रह गया इसको चॉकलेट टेम्पटेशन पसंद. इज दैट क्लियर? आई होप द सेट इज वेरी मच क्लियर. अब ये पूरा सेट रेडी हो गया, अब इस पे हम बना देंगे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे.
Am I clear with this? Who among the following likes chocolate's temptation? Chocolate temptation किसको पसंद है? तो अभी तो मार्क किया कि चॉकलेट टेम्पटेशन ए को पसंद है. Is that clear? F has which of the following drinks eatables? F को कौन सा ड्रिंक पसंद है? F को कोला पसंद है. सेकेंड ऑप्शन. Is that clear? अब एक बार सेट बन जाए तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हैंडल हो जाता है. Which of the following pairs of person do not represent a couple? कौन कपल नहीं है? क्या बी और आई कपल है? बी और आई तो कपल है. ए और एफ, ए एंड एफ भी शायद, हाँ ए और एफ भी कपल है. जी सी भी कपल है. एच जे भी कपल है. तो एंड वाला ऑप्शन बचा, दैट इज ई डी. हाँ ई डी तो भाई बहन थे. ये देखो ई एंड डी. डी वॉज एन अनमैरिड सिस्टर ऑफ ई. हाउ मेनी ग्रैंड सन्स डज जे हैव? जे का ग्रैंड सन तो एक ही है ना, ई. ये देखो जे का ग्रैंड सन तो एक ही था, ई. बाकी तो उसके सन इन लॉज है, ग्रैंड सन इन लॉज है, राइट? तो ये थे सेट्स. इसके ऊपर वंस वी आर क्लियर विद द डेफिनेशन, वी आर ऑल्सो क्लियर विद द सेट, तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से अटेम्प्ट हो जाते हैं. तो एक हमने ब्लड रिलेशन पे किया, एक मैट्रिक्स अरेंजमेंट सिस्टम पे किया. तो लेट्स हैव अनदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. तो देखा कितनी आसानी से हम पेपर हैंडल कर सकते हैं. अब एक ही सेट के ऊपर पांच पांच छह सेट जब रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ज्यादा और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है. अटेम्प्ट बहुत तेज हो जाती है एग्जाम के अंदर वाइल डूइंग द क्वेश्चन. इज दैट क्लियर? लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन. अदर थिंग विच केम इन दिस पेपर वॉज इनपुट आउटपुट, राइट? अब इनपुट आउटपुट में क्या है? स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. तो इसमें बहुत ध्यान से सारा है, स्टडी करना रहता है हमें, हमें मालूम है शुरू से. वर्ड एंड नंबर अरेंजमेंट मशीन वेन गिवन एन इनपुट लाइन ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स रीअरेंजेस देम फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रूल इन ईच स्टेप. द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ द इनपुट एंड इट्स रीअरेंजमेंट. तो इसको बहुत ध्यान से पहले पढ़ना पड़ता है. वी नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट. 33 सेंट इनपुट क्या है? 33 सेंट ग्रुप 50 बट 10 वे 63 सन 69. ओके आउटपुट क्या है? 69 63 50 33 10. तो इतना तो समझ में आ रहा है कि सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे. ओके वे सन ग्रुप सेंट बट. अगर हम ध्यान से देखें बी सी जी एस डब्ल्यू, तो दिस दिस व्हाट दिस इज इन अ रिवर्स ऑर्डर, है ना? रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर. और ये लेफ्ट टू राइट क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर. अब अचीव कैसे किया ये स्टेप वो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वो 69 फ्रंट पे लेके आया, 33 एज इट इज सेंट एज इट इज ग्रुप एज इट इज, 50 है बट पीछे चला गया. तो दैट मींस टू स्टेप्स एट अ टाइम, एक आगे से और एक पीछे से. बड़ा नंबर आगे जाएगा और सबसे पहला जो अल्फाबेट आना चाहिए वो सबसे पीछे जाएगा. फिर 33 में से 63, 63 आगे आया, 33 रिमेन्स देयर एंड पीछे सी चला गया. तो दो चीजें एक साथ हो रही है. एंड आफ्टर दैट 33 बाय 50 केम हेयर एंड जी केम एट द बैक एंड एवरीथिंग अरेंज गॉट ऑटोमेटिकली अरेंज बिकॉज स्टेप स्टेप 3 इज द लास्ट स्टेप ऑफ द अबव इनपुट. हमने पूरा डिकोड कर लिया, आप इसको हमने समझ लिया कि इनपुट को आउटपुट में कैसे कन्वर्ट किया गया है. एक तरफ से नंबर्स अरेंज करने हैं लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और एक तरफ से हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है राइट टू लेफ्ट अल्फाबेटिकल स्टाइल में. इज दैट क्लियर? अब हम क्वेश्चंस को इसी तरह से हैंडल करेंगे. हमें मालूम है वहां पे इनपुट को चेंज कर दिया जाएगा, अब इनपुट को बैठ के वहां पे हमें डेवलप करना पड़ेगा. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. तो स्टेप 3 इज द लास्ट स्टेप ऑफ द अबव इनपुट. एज पर द रूल्स फॉलोड इन द अबव स्टेप्स फाइंड आउट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस द एप्रोप्रिएट स्टेप्स फॉर द गिवन इनपुट. इज दैट क्लियर? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. तो ये हमारा इनपुट है. 81 वाइटल, 13 लीव प्लंज, 24 फॉल, 78 19 एरिड ग्लेब, 90 डस्टी. काफी अच्छा लंबा चौड़ा जो है इनपुट है इसके ऊपर. लेकिन क्वेश्चन देखो, विच स्टेप नंबर इज द फॉलोइंग आउटपुट? ओके विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इसी पे बेस्ड है रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ 19 इन स्टेप 5. मतलब 5 स्टेप्स तो कम से कम जाने वाले. विच वर्ड नंबर वुड बी एट द फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इन द स्टेप 4? ओके हाउ मेनी एलिमेंट्स वर्ड्स और नंबर्स आर देयर बिटवीन 24 एंड फॉल इन द 24 एंड फॉल इन द लास्ट स्टेप? ओके दैट्स इट. तो अब इसका मतलब ये हुआ कि सारा जो सेट है वो इसी इनपुट पे बेस्ड है. अब हमें जो ये वाला इनपुट उसकी कंडीशन समझ में आ गई थी, अब इस इनपुट को हम रेंज अरेंज करते हैं एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन इन द चार्ट. इज दैट क्लियर? सो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं.
अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे मैं आपको छोटी सी ना इनपुट देता हूँ। अब हम इतने बड़ा नंबर लिख के कितने कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, नंबर्स तो पूरे लिख लेते हैं, वर्ड्स के पहले पहले अल्फाबेट लिख लेते हैं, एंड दैट विल हेल्प अस टू रिड्यूस आवर एफर्ट्स। P24, F78, 19, A G, 90 एंड D। ठीक है, अच्छा तो जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, अब सबसे बड़ा नंबर आगे आना चाहिए विच इज 90, तो 90 में आगे मैं बहुत आराम से करूंगा ताकि आप पूरी कहानी समझ में आए। ठीक है, और जो सबसे पहला अल्फाबेट है ए, वो सबसे पीछे चला जाएगा यहाँ पे ए। अब बाकी सब इसके बीच में अरेंज हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे हल्का सा डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ जस्ट टू हैव एन इंफॉर्मेशन कि ये मैं अपनी तरफ से सेट कर चुका हूँ। तो 81 विल बी हेयर, बी विल बी हेयर, 13 विल बी हेयर, एल विल बी हेयर, पी विल बी हेयर, 24, एफ, और यहाँ पे हल्का सा कैंसिलेशन कर देता हूँ ताकि डबलिंग ना हो जाए, 78, 19, जी और डी। इज दैट क्लियर, यहाँ पे हो गया ये सब सेटिंग। अब जब सेकंड स्टेप हम करने जाएंगे, एक चीज बहुत ध्यान से देखिए, 90 के बाद जो छोटा अल्फाबेट आता है वो 81 नंबर आता है, वो 81 ही था, तो 81 अपनी पोजीशन पे ऑलरेडी सेट है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है शिफ्ट होके यहाँ जाएगी। उसी प्रकार ए के पीछे जो डी अल्फाबेट आएगा वो डी, तो यहाँ पे यहाँ की ये लाइन भी यहीं पे शिफ्ट हो गई, तो ये इसका मतलब यहाँ तक की सेटिंग हो चुकी है। तो इसको तो एज इट इज हम लिख देते हैं 90 और 81, और इधर से हम लिख देते हैं ए और डी। एग्जैक्ट, अब जो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए वो आना चाहिए इनमें 78, 78, इज दैट ओके? तो 78 आना चाहिए आगे, और इसके बाद जो अल्फाबेट आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए चेक करिए, वो आना चाहिए एफ, वो आना चाहिए एफ, तो एफ जाना चाहिए पीछे। इज दैट क्लियर, अब यहां तक हमारी सेटिंग हो चुकी है, बाकी एज इट इज आएंगे वी, 13, एल, पी, 24, ये दोनों जा चुके अपनी जगह पे, 19 और जी, ये मेरा स्टेप बन जाता है। इज दैट क्लियर, अब हम देखते हैं 13th स्टेप, थर्ड स्टेप, सॉरी थर्ड स्टेप। तब थर्ड स्टेप में क्या होगा, 78 यहाँ पे बीच में देखो, बस बीच में डॉटेड लाइंस के बीच में देखो, तो अब यहाँ पे था 24 जो आगे जाएगा। इज दैट क्लियर, और यहां से मेरे पास क्या आना चाहिए था, वो जी अपनी जगह पे है ही है, तो जी के बाद मुझे यहाँ पे एल आएगा, तो जी तो ऑलरेडी अब ये वाली लाइन शिफ्ट होकर यहाँ आ जाती है, तो ये ऑलरेडी सेट हो चुका है, तो अब यहाँ से एल जाएगा पीछे की तरफ। इज दैट क्लियर, तो अब नेक्स्ट बनेगा 19, 81, 78, अब आगे आएगा 24, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी ये लाइन, आगे जाएगा वी, 13, पी, 19 और एल, जी, एफ, डी, ए, और ये लाइन शिफ्ट होके यहाँ पे चली जाएगी। अब अगर हम इसको देखें, देखो 19, 81, 78, 24, वी का वाइटल, 13, पी का प्लांच, 19, एल का लीप, जी का ग्लिप, एफ का फॉल, डी का डस्टी और ए का एरिड, और थर्ड स्टेप देखें तो आंसर मुझे क्लियरली इस क्वेश्चन का मिल जाता है कि ये स्टेप 3 का होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ यू विल बी गोइंग वेरी स्लोली एंड अंडरस्टैंड दैट कितनी आराम से सेट को करना पड़ेगा, बहुत समझदारी से। वन स्ट्रॉन्ग स्टेप वुड लीड टू अ ग्रेट मिस्टेक। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स भी सॉल्व करें तो उसको पूरा पहले बना लेते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन स्टेप 5 को लेके है, 19 को स्टेप 5 को लेके है, तो इसका मतलब 4 स्टेप तक तो हम पहुंच गए हैं। अब 19, 90, 81, 78, 24 तो तक तो यहाँ पे जाएगा ही जाएगा, क्लियर हुई बात। अब इसमें से 19 आगे आना चाहिए और इसमें से पी पीछे आना चाहिए, तो दैट मीन्स 19, वी, 13 और यहाँ पे आ जाएगा पी, एल, जी, एफ, डी और ए। इज दैट क्लियर, अब इसका मतलब बस एक ही तरह की अरेंजमेंट मेरे पास बची है, तो 5th स्टेप प्रोबेबली लास्ट स्टेप बन जाना चाहिए, 90, 81, 78, 24, अब 19, 13, वी, पी, एल, जी, एफ, डी और ए, ये मेरा फाइनल बच्चा, एंड एवरीथिंग गॉट अरेंज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ 19 इन स्टेप 5। अब जो 19 है वो ये रहा 19, तो
तो अगर हम देखेंगे इसे लेफ्ट साइड से, तो 1 2 3 4 5, या तो फिफ्थ है लेफ्ट से, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ है राइट से, या तो नाइन्थ है राइट से या फिफ्थ है लेफ्ट से। फिफ्थ फ्रॉम राइट, नहीं, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट था। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, नो। एट फ्रॉम लेफ्ट, नो। नाइन्थ फ्रॉम द राइट, यस, नाइन्थ फ्रॉम द राइट। बताया था राइट से नाइन्थ है या लेफ्ट से फिफ्थ है। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा फोर्थ ऑप्शन आंसर बन जाता है। देखो दो क्वेश्चंस थे, कितनी आसानी से हुए। अभी एक और क्वेश्चन है। विच वर्ड नंबर वुड बी एट द फिफ्थ पोजिशन, विच वर्ड या नंबर वुड बी एट द फिफ्थ पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप फोर। तो स्टेप फोर में 1 2 3 4 5, वो 19 ही है, वो 19 ही है, ऑप्शन नंबर फोर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। हाउ मेनी एलिमेंट्स वर्ड्स और नंबर्स आर देयर बिटवीन 24 एंड फॉल इन द लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप में 24 और फॉल के बीच में कितने वर्ड्स या नंबर्स हैं? ये रहा 24 और एफ का फॉल, फॉल का एफ, एफ ये रहा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है उसके बीच में, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इस तरह से यहाँ पे क्या सीखने को मिला कि हम पूरा पूरा वर्ड ना लिखने की बजाय, जब हमें पता है उनके पहले पहले अल्फाबेट पे वर्ड पे सारा अरेंजमेंट होना है, तो व्हाई नॉट टू पिक ओनली फर्स्ट अल्फाबेट एंड मेक होल द सेट एंड रिड्यूस द कैलकुलेशंस। तो ये चीजें आपको पेपर में सीखनी बेटा बहुत जरूरी है, कि हम अपनी जो स्ट्रेस लेवल है वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और अपनी स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो कितना मैंने आपको अभी तक समझाया, होप वो सारा आपने नोट किया होगा, आप उसको अच्छे समझ रहे हो। कि कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप कमेंट में बाद में लिख के, कोई चीजें हैं, कोई चीजें आपको समझनी है या आपको बताना है या आपको कहना है कि हमें ये चीजें पहले डिस्कस करनी है, यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड वील ब्रिंग दैट यूट्यूब लाइव सेशन ऑन दैट फॉर यू ऑन आवर चैनल। इज दैट क्लियर? चलिए अब और साइट्स देखते हैं कि अब और क्या पेपर में आया था। पेपर में आया था और सिलॉग्स के क्वेश्चंस, देयर वाज सिलॉजिज्म क्वेश्चंस इन दिस पेपर, और ये तो ऑलमोस्ट हर पेपर में पाए जाते हैं। तो होपफुली ये तो ऐसा पेपर है, एक ऐसी चीज है जो हर किसी बच्चे का स्ट्रॉन्ग एरिया, स्ट्रॉन्ग पार्ट होना ही होना चाहिए। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस सेट एंड डू इट। In each question below are given three statements followed by two conclusions numbered 1 and 2. You have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance with commonly known facts, okay? And then decide which of the given conclusions logically follows from the given statements disregarding commonly known facts. Fine. Give answer 1 if only conclusion 1 follows. To one if one follows. Give answer 2 if only conclusion 2 follows. 3 if either 1 or 2 follows. 4 if neither 1 nor 4 2 follows. And 5 if both 1 and 2 follows. Is that clear? अब questions देखते हैं। I hope ये आपने note down कर ली होंगी कि हमें कौन सी condition कब mark करनी है। ये सब चीजें आपने understand करके notice कर ली। So let's understand now the questions। उसको बनाते हैं। And we know that we do these questions with the help of a Venn diagram. Is that clear? So let's draw that Venn diagrams. Some doors are handles. Some doors. अब देखो दो दो questions हैं एक ही statements में। ये देखना इधर है। Some doors are handles. Some doors are handles. Doors, handles ऐसे भी हो सकता था। सम डोर्स हैंडल्स ऐसे भी हो सकता था, ठीक है, हमें मालूम। ऑल हैंडल्स आर थ्रेड्स, ऑल हैंडल्स आर थ्रेड्स, तो एक पर्टिकुलर यहाँ पे भी बन सकता है सेम। सम थ्रेड्स आर विंडोज, अब विंडोज यहाँ पे भी बन सकती है, विंडोज इसके साथ ओवरलैप भी हो सकती है, विंडोज अंदर भी आ सकती है, इसके अंदर भी आ सकती है, बस इसके यहाँ भी आ सकती है विंडोज, मेनी वेयर्स, है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं। सम डोर्स आर थ्रेड्स, some doors are threads, ये तो पक्का है, क्योंकि some doors are handles and all handles are threads, so some doors are threads, पक्की बात है, कुछ भी कर लो तो ये तो guaranteed सही है। some handles are windows, some handle, ये guarantee नहीं, यहाँ पे देखो overlap हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो सारी possibilities लेके चलते थे, इसको हम definitely true नहीं कह सकते। तो इस केस में आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन, only conclusion one follows, is that clear? तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगला देखते हैं।
ऑल हैंडल्स बींग विंडोज इज अ पॉसिबिलिटी. ऑल हैंडल्स बींग विंडोज बिल्कुल हो सकता है. ऑल हैंडल्स बींग विंडोज, तो यहाँ पे विंडोज भी बन सकते हैं. पॉसिबिलिटी वर्ड की वजह से ये सही बन जाता है. ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये सही हो जाता है. ऑल विंडोज बींग डोर्स, ये देखो बनाया मैंने यहाँ पे. ऑल विंडोज बींग डोर्स इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में ये भी सही हो जाता है. तो इसमें ऑप्शन 5 बन जाएगा. ये दोनों सेंटेंसेस अदरवाइज डेफिनेटली ट्रू नहीं है, बट पॉसिबिलिटीज हैं एज पर द वेन डायग्राम्स रिप्रेजेंटेड इन बिलो. इज दैट क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से हमें पहले भी सीखा है कितनी आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं. द वी हैव डन दिस सेट. आई होप यू अंडरस्टैंड द वेन डायग्राम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. तो होपफुली आपको ये चीज बहुत मजेदार आई लगी होगी, समझ में आई होगी. लेट्स हैव मोर क्वेश्चंस ऑन दिस. एक और है दो क्वेश्चंस, एक और स्टेटमेंट, लेट्स ड्रॉ दैट आल्सो. Some states are villages. Okay, some states are villages. ऐसे और भी मैंने बहुत सी बनाई थी, states अंदर villages बाहर या whatever. No village is a forest. तो forest could be here or forest could be here. Okay. All forests are towns. तो सारे forest को towns के अंदर लेके आना है. तो ऐसे भी हो सकता है towns. टाउन्स पूरे को भी कवर कर सकता है लाइक दिस आल्सो. सिमिलरली इस तरह भी टाउन्स बन सकता है. तो टाउन्स कुड इंटरसेक्ट विद स्टेट्स और विलेजेस और मे नॉट, है ना. सम विलेजेस आर डेफिनेटली नॉट टाउन्स, सम विलेजेस आर डेफिनेटली नॉट टाउन. ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि तो सारे विलेजेस टाउन्स हो सकते हैं, तो डेफिनेटली का कोई मतलब नहीं है. सम फॉरेस्ट आर नॉट स्टेट्स, सम फॉरेस्ट आर नॉट स्टेट. देखो उसने बोला सम स्टेट्स आर विलेजेस, तो ये स्टेट्स विलेजेस है. और नो विलेज इज अ फॉरेस्ट, कोई भी विलेज फॉरेस्ट नहीं है. इसको सम फॉरेस्ट आर नॉट स्टेट्स, बट सारा फॉरेस्ट स्टेट के अंदर तो जा सकता है, इसके अंदर तो जा सकता है. एम आई क्लियर नॉट? तो ये भी पक्का नहीं है, ये भी डेफिनेटली ट्रू नहीं है, क्योंकि वी कैन ड्रॉ ऑल द फॉरेस्ट अंडर स्टेट्स ऑल्सो. तो सारे फॉरेस्ट भी स्टेट्स बन सकते हैं. तो सम फॉरेस्ट आर नॉट स्टेट्स इज रूल डेफिनेटली ट्रू नहीं है, पॉसिबिलिटी. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे फोर्थ बनेगा व्हेन नीदर इज ट्रू. देखो फोर्थ वाज नीदर कंक्लूजन वन नॉट ट्रू, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बनेगा नीदर वाला, राइट. सम फॉरेस्ट बीइंग विलेजेस इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ फॉरेस्ट विलेजेस हैं. ये तो पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती है ना. आप ही तो बोल रहे हो नो विलेज इज अ फॉरेस्ट, तो हाउ नाउ यू कैन से सम फॉरेस्ट बीइंग विलेज इज अ पॉसिबिलिटी. तो पॉसिबिलिटी भी गलत होगी, बिल्कुल ही गलत होगी, पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती. सम टाउन्स आर फॉरेस्ट, सम टाउन्स ये तो पक्की बात है क्योंकि आपने बोला ऑल फॉरेस्ट आर टाउन्स. तो सम टाउन्स आर फॉरेस्ट, तो गारंटेड सही है. इज मे क्लियर विद दिस? तो गारंटेड सही है. तो ऑप्शन 2 बनेगा व्हेन ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस. आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय दिस सिलॉजिज्म वाले क्वेश्चन. तो बहुत इंटरेस्टिंग थे ये, तो आप बहुत आसानी से पेपर में, ये तो मतलब शॉर्ट शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स है पेपर के अंदर. ऐसे क्वेश्चन तो मतलब हमें किसी भी रूप में छोड़ने ही नहीं चाहिए. होपफुली सिलॉजम समझ में आ गया, मैट्रिक्स सिस्टम, ब्लड रिलेशंस, है ना, इनपुट आउटपुट, कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आई. अब एक और सेट, मैट्रिक्स सिस्टम में एक और सेट है, इसको भी हम बनाएंगे. इसको हम समझते हैं फटाफट. इसके ऊपर क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, 4-5 क्वेश्चन इसके ऊपर है, एंड देन वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चन. तो अब फटाफट, तो इस सेट में लॉजिकल रीजनिंग सेट्स बहुत आए थे, तो पहले इसको समझते हैं, पढ़ते हैं, देन वी विल क्रिएट इट. तो फटाफट पढ़ लीजिए इसको. A committee has 9 members, A, B, C, D, E, F, G, H, and I, and it is divided into three groups. That is divided into three groups: play group, entertain group, entertainment group, and food group, with 3 members in each group. Okay. There are certain conditions for the formation of the groups. Groups बनाने कुछ conditions हैं. Only 3 members will be selected in each group. हर group में 3 members select किए जाएंगे. वन पर्सन कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर मोर देन वन ग्रुप. ओके, इसका मतलब हर एक तीन में एक ग्रुप में 3 मेंबर होंगे और हर एक डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में होगा. ओके, सही है. फिर वन पर्सन कैन नॉट बी सिलेक्टेड मोर देन वन ग्रुप. ए इज इन ग्रुप, ए इज इन प्ले ग्रुप, एच इज इन एंटरटेनमेंट ग्रुप, सी एंड डी आर इन द सेम ग्रुप बट नॉट इन द
ग्रुप ऑफ आई बी एंड बी आर नॉट इन द सेम ग्रुप, हमें पूरा इन्फॉर्मेशन रेडी करना पड़ेगा, है ना, अगर हम इस पूरी इन्फॉर्मेशन को देखें तो। चलिए पूरा सेट जो है फॉर्म करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, पहले सबके नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, जो 9 मेंबर, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, यहाँ पे उनके नाम लिख लेते हैं। एग्जैक्टली है? और यहाँ पे लिख लेते हैं अब हम फूड ग्रुप, प्ले ग्रुप, और लास्टली कौन सा था, एंटरटेनमेंट ग्रुप, एंटरटेनमेंट ग्रुप। ठीक है, अब फिर से पूरा टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था आपको टेबल बनाने की आदत बहुत होनी चाहिए, फटाफट आपका टेबल फॉर्म होना चाहिए पेपर के अंदर। फटाफट फॉर्म फिल करते जाइए, जो जो आपको समझ में आती है। मैं फटाफट टेबल बनाता हूँ। लास्ट में आइए, ध्यान रखिएगा, लास्ट में आइए। यहाँ पे भी 3 मेंबर्स की कमेटी बनेगी, यहाँ पे भी 3 मेंबर्स, और यहाँ पे भी 3 मेंबर्स। ठीक है, ए इज इन द प्ले ग्रुप, तो ए जो है प्ले ग्रुप में, तो यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए क्योंकि हर मेंबर एक ही ग्रुप में हो सकता है। एच इज इन द एंटरटेनमेंट ग्रुप, तो एच को एंटरटेनमेंट में डाल दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए। क्लियर हुई बात? सी एंड डी आर इन द सेम ग्रुप बट नॉट इन द ग्रुप ऑफ आई, तो सी और डी सेम ग्रुप में है लेकिन आई से डिफरेंट है, आई वाले से डिफरेंट है। ओके, ए एंड बी आर नॉट इन द सेम ग्रुप, ए और बी सेम ग्रुप में नहीं है, तो इसका मतलब ए था प्ले ग्रुप में, तो बी वाला कैंसिल कर दो, वो सेम ग्रुप में नहीं आएंगे, बात खत्म हो गई। तो ये स्टेटमेंट भी यूटिलाइज हो गई, ये स्टेटमेंट भी यूटिलाइज हो गई, ये स्टेटमेंट भी यूटिलाइज हो गई। ई इज इन द नॉट द सेम ग्रुप एज आई, ई आई के ग्रुप में नहीं है, तो ये भी डिफरेंट है, ई आई के ग्रुप में नहीं है, डिफरेंट ग्रुप है। ठीक है जी, ई को भी डिफरेंट कर देंगे। बट इज इन द फूड ग्रुप, तो इसका मतलब क्या हुआ, ई इज नॉट इन द सेम ग्रुप एज आई बट इज इन द फूड ग्रुप, तो इसका वाला जो ई है वो फूड ग्रुप में है, तो आई फूड ग्रुप में आएगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देते हैं, बात खत्म हो गई, और यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं, तो ये बात अपने आप सेटल हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट भी यूटिलाइज हो गई। एफ इज इन द ग्रुप इन विच इधर एच और बी इज देयर, जो एफ है या तो एच के साथ है या बी के साथ या दोनों के साथ। ओके फाइन, चलिए ठीक है, तो इसका मतलब जो बी है और एच है वो प्ले में तो नहीं है, तो इसका मतलब एफ प्ले में तो नहीं आएगा, तो एफ अगर जो बी फूड में हुआ तो एफ फूड में हो सकता है, अगर बी एंटरटेनमेंट में हुआ तो एफ एंटरटेनमेंट में पक्का ही होगा, क्योंकि तो अगर एच एंटरटेनमेंट में है तो एफ भी एंटरटेनमेंट में हो सकता है, लेकिन बी प्ले में नहीं है और एच भी प्ले में नहीं है, तो एक बात तो पक्का है कि एफ प्ले में नहीं होगा। ठीक है, आई एंड एच आर नॉट इन द सेम ग्रुप, आई और एच भी सेम ग्रुप में नहीं है, आई और एच, तो इसका मतलब आई और एच सेम ग्रुप में नहीं है, तो एच एंटरटेनमेंट में था तो यहाँ पे क्रॉस लग जाए, तो आई का तो ग्रुप ही बहुत क्लियर हो गया, प्ले, आई का तो ग्रुप ही बहुत क्लियर हो गया। अब इसका मतलब मुझे प्ले में दो लोग मिल गए, तो जो सी एंड डी डिफरेंट ग्रुप में थे यहाँ तो होंगे नहीं, ये तो बहुत पक्की सी बात है, इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे मुझे 3 लोग चाहिए थे प्ले ग्रुप में, तो यहाँ पे पर्सन एक बचा जी, और तो कोई हो ही नहीं सकता, तो जी हैज टू बी इन दिस ग्रुप डेफिनेटली, तो यहाँ पे भी क्रॉस लग जाएगा और यहाँ पे भी क्रॉस लग जाएगा, तो इसके तो मेरे को प्ले के तो 3 मेंबर्स सारे क्लियर हो गए, तो प्ले में तो और कोई मेंबर आएगा नहीं है। एम आई क्लियर विद दिस? अच्छा, अब आते हैं आगे। एफ इज नीदर विद ई नॉर विद आई, जो एफ है ना तो वो ई के साथ है, क्योंकि ई था फूड ग्रुप में तो ई के साथ नहीं है, और ना ही वो आई के साथ है, आई के साथ वो ऑलरेडी पहले ही बोल दिया, तो एफ बनेगा ही इस ग्रुप में, तो एफ इज विद एच। अब बचे मेरे पास कौन, सी डी बी, अब एंटरटेनमेंट में एक पर्सन चाहिए, लेकिन सी डी इकट्ठे ही आएंगे दोनों लोग, तो अगर दो लोग यहाँ कर दिए तो एंटरटेनमेंट में 4 लोग हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों को फूड में कर दो, ये क्रॉस लगा दो, और बी को भी यहीं पे कर दो, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, तो बी को भी यहीं पे कर दो, तो आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और सेट तैयार हो जाता है।
ये भी आपका सेटिस्फाई हो जाता है, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई हो जाता है, ये भी और ये वाला पॉइंट, तो सारे पॉइंट्स आपके सेटिस्फाई हो जाते हैं और पूरा सेट आपका रेडी हो जाता है। देखा आपने कितनी आसानी से सेट बन जाता है अगर हम ध्यान से फॉर्मेशन करें तो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब क्वेश्चन बनाते हैं, सी एंड डी आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, तो सी एंड डी कौन से ग्रुप में है, तो डेफिनेटली फूड ग्रुप में, डेफिनेटली फूड ग्रुप में सी एंड डी, चेक करो राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जी, जी वैसे हम खुद ही देख लेते हैं जी के बारे में क्या, जी प्ले ग्रुप में है, प्ले ग्रुप में, जी इज इन प्ले ग्रुप विद ए और आई, जी इज इन प्ले ग्रुप पर एच के साथ नहीं है, फूड ग्रुप में नहीं है, प्ले ग्रुप में है लेकिन सी और डी के साथ नहीं है, प्ले ग्रुप में है लेकिन सी और डी के साथ नहीं है, ए और आई के साथ है, ए और आई के साथ, इसका नन ऑफ दिस आंसर बैठे, तो डोंट गेट अफ्रेड अगेन टू मार्क नन ऑफ दिस, बिल्कुल आंसर बनता है नन ऑफ दिस, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर रिप्रेजेंट द फूड ग्रुप, तो फूड ग्रुप के मेंबर्स कौन से हैं, फूड ग्रुप में है सी डी और ई, फूड ग्रुप में है सी डी और ई, सी डी ई, सी डी ई, तो फर्स्ट आंसर ही बन जाता है, फर्स्ट ऑप्शन ही फूड ग्रुप वाले मेंबर्स हमारे पास क्लियरली दिए हुए हैं। एफ इज एसोसिएटेड विच विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, एफ किसके साथ एसोसिएटेड, तो एफ वॉज एसोसिएटेड विद एंटरटेनमेंट ग्रुप विद एच और बी, तो एंटरटेनमेंट ग्रुप, एंड दैट मेक दिस क्वेश्चन। ए कैन बी ग्रुप विद हू अमंग द फॉलोइंग, ए किसके साथ आया था, तो ए आया था प्ले ग्रुप में विद जी एंड आई, जी एंड आई, तो ए वॉज विद जी एंड आई, दैट इज ऑप्शन नंबर टू। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एक और क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, प्ले ग्रुप ए बी एफ है, चेक करते हैं क्या प्ले ग्रुप ए बी एफ है, प्ले ग्रुप ए बी नहीं है, तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया। क्या फूड ग्रुप ई सी बी है, फूड ग्रुप ई सी बी है, फूड ग्रुप ई सी बी नहीं है, सी डी ई है, तो फूड ग्रुप ये वाला नहीं है। क्या एंटरटेनमेंट ग्रुप एच एफ बी है, एंटरटेनमेंट ग्रुप, एंटरटेनमेंट में एच एफ बी, एच है एफ है और बी है, बिल्कुल सही ऑप्शन बन जाती है ऑप्शन नंबर थ्री। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने सेट को सॉल्व कर लिया, कितना आराम से हमने सेट बना लिया, कितनी जल्दी हमने सेट फॉर्मेशन कर ली राइट। और एक बार सेट फॉर्मेशन कर ली, क्वेश्चंस हमारे बहुत इजी हो जाते हैं, तो होपफुली आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे, आपको स्ट्रैटेजी करने की क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लग रही होगी, और इस तरह की बहुत सी चीजें आपको बहुत यूट्यूब चैनल के बहुत से चैनल में और बहुत सी और वीडियोस में मिलेंगी, एसपीएस यूनिवर्सिटी के चैनल, आप उसको एक्सप्लोर करिए, बेल आइकन बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको सब कुछ बहुत डिटेल में मिलेगा। चलिए अब कुछ इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं, तो एक और टॉपिक और रहता है इनइक्वालिटीज, तो इसको कैसे हैंडल करते हैं विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनइक्वालिटी साइन, एग्जैक्टली इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी साइन को समझना पड़ता है। Which of the following expression is true if the given expression is true? अगर ये expression true है कि g is greater than equals to h, is equals to i, is greater than j, is less than equals to k, is less than l, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है वो हमें बताना है। तो क्या j h से बड़ा है? देखिए बेटा j जो है उल्टा h से छोटा है, ध्यान से देखो। क्या g k से बड़ा है? अब यहाँ पे बेटे साइन ना चेंज हो गया, यहाँ पे साइन उल्टा हो गया और यहाँ पे साइन उल्टा हो गया, तो हम इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ये ब्रेकेज आ गई, तो हम इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे। क्या एल आई से बड़ा है? यहाँ पे फिर देखो ये ब्रेकेज है, आई इस वाले पार्ट का और एल, इसको भी हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जे इज लेस देन एच, तो यही तो बोला मैंने यहाँ पे, जब जे ग्रेटर देन आया था तो यही तो बोला था कि जो जे है वो एच से छोटा है, तो ये ऑप्शन आपकी डेफिनेटली ट्रू बन जाती है। तो ऐसे करके क्रिटिकली एनालिसिस करना होता है, क्रिटिकली एनालाइज करना होता है, कुछ लोग कहते हैं वैल्यू पुटिंग करके, वैल्यू पुटिंग कुड बी लिटिल डेंजरस काम है, तो आपको क्रिटिकली एनालाइज करके बताना होता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा, क्लियर हुई बात। तो ध्यान से करिएगा ऐसे क्वेश्चंस, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत मजेदार और बहुत बहुत आसान भी होते हैं, क्लियर हुई बात। ओनली थिंग इज यू हैव टू कीप समथिंग फ्यू थिंग्स मतलब इन माइंड, योर स्ट्रेटेजिकल माइंड शुड बी वेरी स्ट्रांग व्हाइल डूइंग सच क्वेश्चंस। अब कई बार हमें इनपुट देना होता है क्वेश्चन मार्क की जगह, which will what will come in place of question mark to make the expression, हमें हमें कौन सी expression correct करनी है कि t greater than g as well as q greater than equals to p, जो t है वो g से बड़ी होनी चाहिए और जो q है वो greater than equals to p होना चाहिए, ठीक है जी। तो देखते हैं, तो अगर हम ये वाली इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं यहाँ पे ये वाली है ना, तो t तो g से बड़ा हो जाएगा, देखो ध्यान से t तो g से बड़ा हो जाएगा,
जो क्यू है वो पी से डेफिनेटली बड़ा हो जाएगा, इक्वल टू नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा देते हैं तो टी तो अभी भी जी से बड़ा ही रहेगा। देखो अगर हम जी इज लेस देन इक्वल टू एस, तो इसका मतलब एस की जगह अगर जी लिख भी दे तो भी जी पी से छोटा है, और पी जो है वो आर से बराबर भी होगा तो भी जी तो आर से छोटा ही रहेगा, आर से छोटा रहेगा तो जी टी से छोटा रहेगा। और उधर से क्यू में इक्वल टू साइन हर जगह है, तो क्यू पी से या तो बड़ा रहेगा या छोटा, तो डेफिनेटली सेकेंड ऑप्शन आंसर बन जाएगा। ये तो बहुत क्लियरली गलत कर देंगे इस एक्सप्रेशन को, अगर आपने ट्रू करना है तो नन ऑफ दीज भी हो नहीं सकता, जब आंसर ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है सेकेंड ऑप्शन। तो लेस देन इक्वल टू का साइन अगर इस क्वेश्चन मार्क में हम फिल कर देंगे तो ये दोनों एक्सप्रेशन डेफिनेटली ट्रू बन जाएंगे, डेफिनेटली ट्रू। ये ध्यान रखिएगा, वर्ड्स मैटर करते हैं, प्लेसमेंट्स मैटर करते हैं, क्या चीज उसने बोला वो बहुत मैटर करता है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये चीज सब समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्पेस वर्सिटी चैनल। और क्या क्या आपको चाहिए और कौन कौन सी चीजों के ऊपर आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे से हेल्प चाहिए, यू डू राइट अस इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल हैव दी यू नो लिंक्स फॉर एसपीएस वर्सिटी का वेबसाइट, यूट्यूब, फॉलो अस ऑन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह हमें फॉलो करिए। वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत फ्री चीजें आपके पास अवेलेबल हम आपको दे रहे हैं जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू पीपल। डू टेल योर फ्रेंड्स अबाउट द चैनल, सब्सक्राइब इट एंड डू प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द नोटिफिकेशन। देर वुड बी मोर सेशंस ऑन द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स कमिंग अप इन द फ्यू कमिंग डेज, तो अपना बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू सो मच फ्रॉम स्पेस वर्सिटी, कीप वॉचिंग, विल हैव मोर वीडियोज कमिंग अप इन कमिंग डेज। थैंक यू सो मच।